प्रफुल्ल मेडिको क्लिनिक थाना के सामने गढ़वा, महिलाओं से संबंधित बीमारियों का इलाज एवं प्रसूति की बेहतर सुविधा। कोरोना जैसे भयंकर महामारी से निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश में 21 दिन तक लॉकडाउन किया गया, जिससे विद्यालय भी बंद कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह भी निश्चित नहीं है कि देश की स्थिति सामान्य होने में अब और कितना वक्त लग सकता है। इसी के मद्देनजर आज दिनांक 6/4/2020 को प्रातः 10 बजे विद्यालय प्रबंधन द्वारा ऑनलाइन तरीके से कक्षा नर्सरी से सातवीं तक के छात्र छात्राओं का वार्षिक परीक्षा फल 2019-20 का परीक्षा फल प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया, ताकि बच्चे रिजल्ट के बाद व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। विद्यालय की प्रधानाचार्य अनिमा पांडे के द्वारा कक्षा वार रिजल्ट की घोषणा की गई, जो इस प्रकार से है। कक्षा नर्सरी हिमांशु कुमार प्रथम, अकीरा द्वितीय व आशीष कुमार तृतीय, एलकेजी दिव्यम राज प्रथम, तनु कुमारी द्वितीय व श्वेता कुमारी व दानिश रजा संयुक्त रूप से तृतीय, यूकेजी निरंजन कुमार प्रजापति प्रथम, मसूद आलम द्वितीय व दीपांजलि कुमारी तृतीय, कक्षा प्रथम खुशबू कुमारी प्रथम, दीक्षा रानी द्वितीय व अभिमन्यु पाल तृतीय, कक्षा द्वितीय नकी अहमद प्रथम, इसरातून खातून द्वितीय व पंकज कुमार तृतीय, कक्षा तृतीय नाहिद कौशल प्रथम, उम्मे लारेब द्वितीय व सब्बा खातून तृतीय, कक्षा चतुर्थ कहकशा नूरी प्रथम, गुलाम गौस द्वितीय व जय तिवारी तृतीय, कक्षा पंचम उत्सव कुमार पांडे प्रथम, गौतम कुमार पाल द्वितीय व चांदनी नाजनीन तृतीय, कक्षा षष्ठ खुशी कुमारी प्रथम, उज्जवल कुमार पांडे द्वितीय व आदित्य कुमार तृतीय, कक्षा सप्तम सोनी कुमार प्रथम, अमीषा मानो द्वितीय व अफरीना खातून तृतीय। वहीं परीक्षा नियंत्रण अनुप्रिया पाठक के अनुसार जो छात्र परीक्षा के दौरान अनुपस्थित थे, वे अगले कक्षा में प्रमोट नहीं कर पाए हैं। उनका नाम इस प्रकार से है: कक्षा नर्सरी सगुन सिंह, एलकेजी दीक्षा कुमारी, यूकेजी प्रसून तिवारी, दीक्षांत मेहता, आकांक्षा चौधरी, ऋतिक रोशन कक्षा प्रथम, रचित कुमार कक्षा द्वितीय, सोनू सिंह, सुहानी कुमारी कक्षा तृतीय, सपना कुमारी कक्षा पंचम, हिदायत अंसारी, सब्बा अहमद। वहीं विद्यालय के निदेशक पीके दुबे के द्वारा सभी अभिभावकों व छात्र छात्राओं से अपील की गई कि सामाजिक दूरी बनाते हुए आप ऑनलाइन तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम अपना पढ़ाई प्रारंभ रखें, ताकि सिलेबस पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि दिनांक 8/4/2020 से प्रत्येक दिन विद्यालय अवधि में संबंधित अध्यापक अध्यापिका प्रश्नों को हल कर ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, जिससे छात्र घर बैठे ही अपना पढ़ाई कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक सिर्फ कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र छात्रा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, किंतु अब सभी कक्षा के छात्र छात्रा ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से घर बैठे पढ़ाई कर सकेंगे।